हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स के ऊपर फिर से और एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत लोगों से फरमाइश आई कि मैं न्यू जर्सी में रहता हूं और बाहर नेचर में अपने वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, कि इंडियन लोग इंडिया के बाहर कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है और नेचर कैसा है वगैरह। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट, तो इसके बारे में मैं अब वीडियोस बनाना शुरू करता हूँ, मेरा रोड शो। तो यहाँ से हम पहला शुरू करेंगे, मेरा पहला स्टॉप होगा इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, कि इंडिया का खाना पीना यहाँ पर हर एक चीज़ किस तरह से मिलती है, कैसे ये लोग बेचते हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी होती है वगैरह। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में इंडियन रेस्टोरेंट्स और यहाँ के शॉप्स, एंटीक शॉप्स वगैरह वगैरह। सो वील स्टार्ट विद इंडियन ग्रोसरीज एंड इंडियन फूड फर्स्ट। ओके, थैंक यू, आई होप यू लव दिस, थैंक्स। दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप। इस बड़े ग्रोसरी स्टोर का नाम है पटेल ब्रदर्स फार्मर्स मार्केट, पटेल ब्रदर्स। ये भी एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पर हर किस्म की इंडियन चीज़ मिलती है और सिर्फ इंडियन चीज़ ही बेचते हैं ये, एवरीथिंग। कोई भी मसाले कह दो, कोई भी किस्म का खाना कह दो, आयुर्वेदिक मेडिसिंस, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो आपको हम परिचय कराते हैं कि हम हिंदुस्तानी किस तरह रहते हैं यहाँ पर। और साथ ही एक लॉन्ड्री है, बिरयानी पॉइंट है, वो हैदराबादी बिरयानी का है, बिरयानी जंक्शन। दूसरा है ब्यूटी पार्लर, पायल ब्यूटी सलोन। तो साहब, लेट्स गेट इनटू दिस। To send to India. यहाँ पर हर एक चीज मिलती है, एवरी सिंगल थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट फॉर एन इंडियन फैमिली, फॉर एन इंडियन हाउस। Thank you.
आप जो कुछ भी सोच सकते हैं इंडिया का सब कुछ यहाँ मिलता है और एक से एक बढ़िया एक्सपोर्ट क्वालिटी में. वेरी वेरी नाइस एंड नीट एंड क्लीन सब्जियाँ फ्रूट्स. आपके हर किस्म के बिस्किट्स, रस्क, खारी बिस्किट्स, नान कताइयाँ, केक रस्क, एवरी सिंगल थिंग. आपका ये पनीर, ये आपके सब्जियां, फ्रेश दूध, हर किस्म की दहियां, ये देसी जिंजर. ये सारे रोटियां, पराठे, ये फुलकों की फैक्ट्री.
पराठों की फैक्ट्री। और पंजाबी समोसा ओके। दीपावली फटाके ऑल आयुर्वेदिक थिंग्स दवाइयाँ ओके। कैसे हैप्पी दिवाली। बात पहन लो मेरे भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लो ये सारे पूजा के आइटम्स अगरबत्तियाँ। दोस्तों अभी हम रूट 27 के ऊपर हैं। अभी हम एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर जाएंगे, उसका नाम है डोसा ग्रिल। वहाँ पर बाकायदा सारी ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और सब कुछ मस्त मिलता है। हमारे दोस्त ही हैं वहाँ पर और आसपास में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बहुत किस्म की। एक तो फूड कोर्ट टाइप का है जहाँ पर हर किस्म का खाना मिलता है। तो लीजिए चलते हैं आपके साथ। ये एक अमेरिकन इटालियन दुकान है, चली गई। देखिए हुजूर, यहाँ की ग्रीनरी लाजवाब है। अभी ठंड शुरू हो चुकी है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त ये देखिए, ये खेती खेत है यहाँ पे ना, यहाँ। और जब विंटर शुरू होती है तो हरियाली कम होने लगती है, नहीं तो जहाँ तक नज़रें जाती हैं सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है। ये देखो, ये यहाँ का कब्रिस्तान है, कितना साफ सुथरा और मस्त है एकदम। और यहाँ से भी लेफ्ट में, यहाँ पे सारे पत्ते झड़ जाते हैं विंटर में, नहीं तो बहुत घनी हरियाली होती है यहाँ। और पत्तों का कलर भी चेंज होने लग जाता है, पीले लाल कॉफी कलर के। ये है अपना देसी फूड गैलेक्सी। यहाँ वहाँ पर अंदर भी जाएंगे हम, जो फूड कोर्ट है। ये हमारे घर के आसपास के इलाके हैं। ये है प्लाजा 27 और यहाँ पर है हमारी डोसा ग्रिल जहाँ आपको हम ले जाएंगे। ये दूसरा हैदराबादी है,
पैराडाइज बिरयानी पॉइंट और ये है आपका डोसा ग्रिल साउथ इंडियन कुजीन। तो जनाब ये है आपका डोसा ग्रिल। जय कमिंग सर। कोविड में सभी को मास्क लगा के जाना पड़ता है ना। ये खुला आपका डोसा ग्रिल और ये कोविड की वजह से। हाय राजीव, हाउ आर यू? तो सारी टेबलें दूर दूर तक लगी हुई हैं। हाय लीना, यहाँ पर हर सैटरडे संडे ना बफे लगा करता था। हाय सीमा, हाउ आर यू? आप बहुत मशहूर होने वाले हैं। ये हमारी बहन है सीमा, जो यहाँ पे आप जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे बड़ा बुफे लगता था और ये सारी लॉ की वजह से ना टेबल्स दूर दूर रखी हुई हैं और ज़्यादा करके लोग होम डिलीवरी ही ले जाते हैं। सिर्फ हम बैठ के आके ऐश करते हैं, खाने पीने के शौकीन है ना। ये हमारे भाई जैसे मित्र हैं राजीव जी, जो हमेशा आजकल कोविड के सीज़न में बहुत बिजी रहते हैं, खतरनाक बिजी रहते हैं। गुड, आपको मशहूर कर रहे हैं भाई साहब। तो बस ये ऑर्डर लिखने में सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। आपको इनका मेन्यू भी बताते हैं।